रामायण की एक ऐसी पात्र जिनके विषय में शायद ही आपने ज्यादा सुना हो, लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी। रामायण का एक ऐसा पात्र जिसे हम सभी भूल जाते हैं। मंदोदरी आखिर थी कौन, उनका जन्म कैसे हुआ, रावण ने किस तरीके से मंदोदरी से शादी की, आखिर रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ, किस वजह से मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया, क्या आप ये कहानी जानते हैं, मंदोदरी का जन्म और उसका परिवार, मंदोदरी आई कहां से, मंदोदरी का भगवान शिव से क्या नाता था और माता पार्वती ने मंदोदरी को क्या श्राप दिया, ये पूरी की पूरी जानकारी आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मधु सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे लंका की पटरानी मंदोदरी के विषय में। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। रामायण का नाम दिमाग में आते ही सबसे पहले भगवान श्री राम, भ्राता लक्ष्मण याद आते हैं, माता सीता याद आती हैं, भजन बलि हनुमान याद आते हैं और लंकापति रावण भी याद आते हैं, क्योंकि रावण के बिना तो रामायण अधूरी है। लेकिन एक ऐसा पात्र जिसको सभी भूल जाते हैं, वो रावण की पत्नी मंदोदरी। मंदोदरी को जब भी याद किया जाता है तो हम यही सोचते हैं वो लंकापति रावण की रानी, स्वयं लंका की पटरानी, और लंका का जो चित्रण हमारे सामने आता है, हम सभी यही सोचते हैं कि वो ऐसो आराम से रहती होंगी और बहुत सुखी होंगी। लेकिन उन्होंने भी बहुत दुख उठाए थे। तो कौन थी मंदोदरी और उनका भगवान शिव और माता पार्वती से क्या संबंध है, रावण से उनका विवाह किस प्रकार हुआ। मंदोदरी का नाम आते ही एक ऐसी रानी की तस्वीर सामने उभर आती है जिनके चरणों में दुनिया के हरेक ऐशो आराम थे। एक अप्सरा की पुत्री, अत्यंत रूपवान सुंदरी, एक ऐसी समर्पित पत्नी, सोने की लंका की पटरानी मंदोदरी। रामायण की कहानी का एक ऐसा पात्र जिन्हें कभी ठीक से समझा ही नहीं गया। उनकी पहचान केवल लंकापति रावण की पत्नी तक ही सीमित रही और रावण की मृत्यु के पश्चात उनका अध्याय जैसे समाप्त ही हो गया। रामायण की बात करें तो अधिकांश लोग भगवान राम, माता सीता और रावण के विषय में जानने की ही उत्सुकता होती है। मंदोदरी का जन्म और उसके परिवार के बारे में हम आपको बताते हैं। हिंदू पुराणों में एक कथा मिलती है जिसके अनुसार मधुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर गई। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव धुनी रमाए अपनी तपस्या में बैठे थे। जिस प्रकार भगवान शिव भस्म में रहते हैं, उन्होंने राख में अपने आप को लपेट रखा था। माता पार्वती कैलाश पर नहीं थी। माता पार्वती का अनुपस्थित होना, भगवान शिव का अकेले ध्यानरत होना मथुरा को उनकी तरफ आकर्षित कर गया और उन्होंने भगवान शिव को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई प्रकार के तरीके अपनाए। भगवान शिव के सामने नृत्य किया और भगवान शिव को अपनी ओर और भगवान शिव को रिझाने की कोशिश की और उसी समय माता पार्वती कैलाश पर आईं। माता पार्वती ने जब ये देखा तो कि भगवान शिव तपस्या कर रहे हैं और मथुरा नृत्य कर रही है और उन्हें आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा देखकर माता पार्वती गुस्से में आ गईं और माता पार्वती ने मथुरा को श्राप दे दिया। श्राप ये कि वो मेंढक बन जाए और 12 साल तक एक कुएं में रहे। ऐसा श्राप मिलने के बाद मथुरा को होश आया और उसने बहुत क्षमा याचना की, गिड़गिड़ाई, भगवान शिव से गिड़गिड़ाई। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से अपना श्राप कम करने का अनुरोध किया। तब माता पार्वती ने कहा कि वो अपना श्राप कम तो नहीं कर सकती, अगर आप भगवान शिव की तपस्या करती रहेंगी तो 12 वर्ष पश्चात
आप अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि मथुरा मंदोदरी कैसे बनी। असुरों की देवता मायासुर और उनकी पत्नी हेमलता, उनके दो पुत्र थे लेकिन वो एक पुत्री चाहते थे। इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो कैलाश पर तपस्या करने लगे और वे कठोर तपस्या करने लगे। इसी बीच मथुरा के भी 12 साल पूर्ण हो गए। जैसे ही मथुरा के 12 साल पूरे हुए वो अपने वास्तविक रूप में आकर चिल्लाने लगी और वह चिल्लाने लगी कि कोई मुझे बचाए। वही मायासुर और उनकी पत्नी हेमा तपस्या कर रहे थे और मथुरा की आवाजें सुनकर उन्होंने मथुरा को कुएं से बाहर निकाला और उसको ही अपनी पुत्री मान लिया और उसका नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। अब आपको बताते हैं रावण और मंदोदरी के विवाह का किस्सा। लंकापति रावण एक बार असुरों के राजा मायासुर से मिलने उनके महल गए। वहां उन्होंने उनकी अत्यंत सुंदर रूपवान पुत्री मंदोदरी को देखा और उस पर मोहित हो गए और मंदोदरी से विवाह का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन मायासुर ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्योंकि रावण बहुत बलशाली और त्रिलोकाधिपति था, मंदोदरी ने रावण से अपने माता पिता और अपनी प्रजा को बचाने के लिए रावण से शादी कर ली। रावण से शादी के बाद जब मंदोदरी लंका आई तो उन्होंने रावण को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए बहुत समझाया। जब सीता हरण की घटना हुई तब भी मंदोदरी ने रावण का विरोध किया और माता को लौटाने की सलाह दी, लेकिन रावण नहीं माना। रावण और मंदोदरी के तीन पुत्र मेघनाथ, अतिकाय और अक्षय कुमार थे। अक्षय कुमार का हम सभी जानते हैं कि महाबली हनुमान ने अशोक वाटिका में किस प्रकार संहार किया था। अतिकाय और मेघनाथ भी मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन जब रावण अंतिम दिन राम से युद्ध के लिए जा रहे थे तब भी मंदोदरी ने कामना की कि रावण जिंदा वापस आए और एक बार फिर से समझाया कि माता सीता को लौटा दे, लेकिन रावण नहीं माना। रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी खुद उस स्थान पर गई जहां रावण का वध हुआ था। रावण के शव के पास पहुंचकर उन्होंने लंका की प्रजा और भगवान श्री राम को देखा और लंका के राक्षसों के शवों को देखा। यह सब देखकर मंदोदरी बहुत दुखी हुई। इसके साथ ही भगवान श्री राम का अलौकिक रूप भी उन्होंने देखा। भगवान श्री राम ने मंदोदरी से ये कहा कि आप अपना राजपाट संभालें, विभीषण लंका के राजा हैं। इसलिए श्री राम ने मंदोदरी से अनुरोध किया कि वो विभीषण से शादी कर लें, लेकिन मंदोदरी ने ये फैसला तुरंत स्वीकार नहीं किया। मंदोदरी लंका वापस महल में आई और उन्होंने अपने भवन में अपने आप को बंद कर लिया, ना किसी से बात की ना बाहर आई। इसके बाद उन्होंने फैसला लिया और वो बाहर आई और विभीषण से शादी की। लंका को, जो असुरों और राक्षसों की लंका थी, उस लंका को सही दिशा में ले जाने के लिए विभीषण के साथ मिलकर काम किया। तो ये थी मंदोदरी की पूरी कहानी, किस प्रकार भगवान शिव को रिझाने के चक्कर में माता पार्वती से श्राप मिला, फिर मायासुर की बेटी बनी, फिर लंकापति रावण की पत्नी और फिर विभीषण से शादी। ये पौराणिक कथाएं हैं। अगर कोई छोटी मोटी भूल हो तो हम क्षमा चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन अवश्य दबाएं जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।